देश में इन दिनों अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की। हर किसी की जुबां पर रामलला का जिक्र है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रह रहे हिंदू समुदाय के लोग भी 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। राम की नगरी अयोध्या में तो जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। बीजेपी और तमाम विपक्षी दल एक दूसरे पर राम को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच अजीबोगरीब नेताओं के बयान भी सुनने को मिल रहे हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सूत्र ने अब ये जानकारी देते हुए बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तमाम नेताओं को निमंत्रण भेज दिया गया है। आपको याद होगा कि निमंत्रण को लेकर भी खूब राजनीति हुई है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती, जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ ही शिवसेना उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले, एमके स्टालिन और शरद पवार जैसे बड़े विपक्षी नेताओं को भी न्योता भेज दिया गया है। ये निमंत्रण अयोध्या से स्पीड पोस्ट के जरिए संबंधित राज्य के विश्व हिंदू परिषद कार्यालय भेजे गए हैं। इसके बाद कार्यालय के प्रतिनिधि इन निमंत्रण पत्रों को सभी नेताओं को देंगे। बताया जा रहा है कि ये निमंत्रण सिर्फ पार्टी अध्यक्षों को ही दिया जा रहा है। दरअसल अखिलेश से लेकर उद्धव ठाकरे तक का कहना था कि राम के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है, इस कार्यक्रम में उन लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस पर अखिलेश ने कहा था कि भगवान के दर्शन करने के लिए किसी के बुलावे की जरूरत नहीं, बल्कि वो जब भगवान की मर्जी होगी तो दर्शन कर लेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि वो कार्यक्रम के बाद रामलला के दर्शन करने जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि राम मंदिर आंदोलन में शिवसेना ने अहम योगदान दिया था, लेकिन भाजपा अकेले ही इसका श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। अब आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश की तमाम बड़ी हस्तियां शिरकत करने जा रही हैं। बिजनेसमैन से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटी तक को न्योता भेजा गया है। इसके साथ ही कई राजनेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन कई नेता ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। इसी बात को लेकर बीजेपी और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी भी देखने को मिली। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सोनिया गांधी को न्योता, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया जा चुका है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी का भी नाम शामिल है। अयोध्या में 11,000 से ज्यादा वीआईपी मेहमानों के स्वागत के लिए बृहद पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। 12 जनवरी से अयोध्या पहुंच रहे राम भक्तों को सनातन सेवा न्यास की तरफ से राम जन्मभूमि से जुड़ा स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। प्रभु राम से जुड़ा ये स्मृति चिन्ह बेहद खास होगा। सनातन सेवा न्यास को इस काम का जिम्मा काफी पहले ही दे दिया गया था। इसकी तैयारी भी महीनों पहले शुरू कर दी गई थी, क्योंकि 11,000 से ज्यादा बॉक्स तैयार करवाने हैं। कई जगह से इसके ऑर्डर बनकर अयोध्या भी पहुंच गए हैं और जैसे जैसे मेहमान अयोध्या पहुंचेंगे वैसे वैसे उन्हें रामलला स्मृति चिन्ह सौंपी जाएगी। इसके जरिए न केवल वो रामलला के दर्शन का सौभाग्य पाएंगे बल्कि प्रभु राम से जुड़ी चीज को अपने साथ स्मृति के तौर भी रख पाएंगे। अब देखना है कि सपा, बसपा और कई क्षेत्रीय पार्टी समेत जिन्हें निमंत्रण पत्र सौंपने की तैयारी कर ली गई है उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।